Hello everyone. In this video, we are going to study about motion in one dimension. See, friends, if a car traveling in a straight line, if a train traveling on a track, then all these are example of motion in one dimension. See if the coordinate of only one axis are going to change, then we can say yes, this is an example of one dimension motion. Get it, friends? Now. वॉट इज स्पीड इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस सी फ्रेंड्स इन वेरी सिंपल वर्ड्स एक यूनिट टाइम में ऑनली एक यूनिट टाइम में एक बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है हम बोलेंगे लेंगे यस दैट इज अ स्पीड गेट इट फ्रेंड्स नाउ स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. सी फ्रेंड्स देयर आर टू टाइप ऑफ क्वान्टिटी स्केलर एंड वैक्टर स्केलर ऑन है मैग्नीट्यूड and vector have magnitude as well as direction get it friends so speed is a scalar quantity that means speed have only magnitude speed don't have any direction get it friends now si unit is meter per second see friends distance is measured in length and time in second see distance and length si unit of length is meter टाइम इज सेकेंड देन वॉट विल बी इट्स असाइनेटेड स्पीड की जो असाइनमेंट होगी वो होगी मीटर पर सेकेंड वेरी सिंपल नाउ इट्स डायमेंशन फॉमूला डायमेंशन फार्मूला कैसे आता है अभी हमने क्या पढ़ा कि इसकी जो असाइनमेंट होती, होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड अब देखो मीटर क्या होता है लेंथ तो हियर एम डिनोट मास एल डिनोट लेंथ एंड टी डिनोट टाइम तो एम यहाँ पे क्या है एम वन तो एल वन और टाइम का यहाँ पे क्या है माइनस वन सो माइनस वन यहाँ पे मास की कोई क्वांटिटी नहीं है देयर फॉर एम जीरो सिंपल सिंपली वी गेट इट्स डायमेंशन फॉर्मूला नाउ सी नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ टाइप ऑफ मोशन और टाइप ऑफ स्पीड सी फ्रेंड्स वॉट इज अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम see friends if an object travels first meter in one second second meter in again in one second then another one in one second see same distance traveled in same same interval of time then what we we can say we can say that yes that this is a uniform speed get it friends now variable speed very simple just opposite of this it is. It covers unequal distance in equal interval of time. Then we can say that yes, that object moving with a variable speed. Now, friend, the most important average speed. What is average speed? See, friends, in in day to day life, what uh, in day to day life we only find we can only find average speed or instantaneous speed. See, friends, suppose if an object travels from A to B. तो पहला डिस्टेंस इसने ट्रेवल एस वन ट्रेवल करा इस टी वन टाइम में एस टू करा टी टू टाइम में एस थ्री ट्रेवल ट्रेवल करा एस थ्री टी थ्री टाइम में तो व्हाट विल इट्स एवरेज वेर एवरेज स्पीड इट विल बी एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री डिवाइडेड बाय टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री गेट इट फ्रेंड्स तो क्या होगा देखो अब नेक्स्ट क्लास में मैं बताता हूँ कैसे सी एवरेज स्पीड इज एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री प्लस एस फोर फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर अ डिस्टेंस एस वन ट्रेवल्ड इन टी वन टाइम एस टू इन टी टू टाइम एस थ्री इन टी थ्री टाइम देन एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन गेट इट फ्रेंड्स नाउ हम टाइम को क्या लिख सकते हैं हम टाइम को हमको पता है कि वी वन इक्व टू क्या स्पीड इक्व टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम ठीक है तो टाइम को हमने क्या लिख दिया टाइम को लिखा एस वन अपॉन वी वन तो हमने यहां पे क्या करा टाइम को हमने लिखा एस वन अपॉन वी वन टी टू को लिखा एस टू अपॉन वी टू सेम नाउ सपोज इफ डिस्टेंस इज सेम नाउ फर्स्ट केस इफ डिस्टेंस इज सेम अगर एस वन और एस टू इक्वल है तो क्या होगा तब क्या होगा अब बस एस वन और एस टू की बात हो रही है तो हम अब इसको इग्नोर कर देते हैं एस वन प्लस एस टू अपॉन एस वन बाय वी वन प्लस एस टू बाई वी टू यही होगा तो एस वन और एस टू इक्वल है तो सपोज हमने इसको इक्वल ले लिया एस के तो एस एस क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉमन हो के बाहर आ जाएगा और एस से एस कैंसल हो जाएगा हमारे पास क्या बचेगा ओनली दिस क्वान्टिटी नाउ इफ यू सॉल्व दिस वी विल गेट दिस टू अपॉन वी वन प्लस वी टू टू अपॉन वन बाई वी वन प्लस वन वी टू यही बचेगा देन आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट दिस टू वी वन इन टू वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू सी फ्रेंड्स इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इफ डिस्टेंस इज सेम इफ डिस्टेंस इज सेम देन वी कैन डायरेक्टली यूज सपोज इफ देर इज अ क्वेश्चन कि एक ऑब्जेक्ट उसने ए से बी मतलब ए से बी और बी ये दो है ठीक है तो एक ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करा वी वन से और यहाँ से यहाँ ट्रेवल करा वी टू से सी डिस्टेंस इज सेम सो इन दिस केस वी वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला टू वी वन टू वी टू अपॉन वीवन प्लस वी टू गेट इट फ्रेंड्स नाउ सी फर्स्ट क्वेश्चन का ट्रैक है तो किलोमीटर वो वो करती फोर्टी किलोमीटर पर फोर्टी किलोमीटर पर से, और जो अगला फिफ्टी किलोमीटर है इसको ट्रेवल किलोमीटर पर आवर से सेम डिस्टेंस इज सेम दोनों का डिस्टेंस क्या है सेम है तो हम क्या कर सकते हैं हम सीधा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं ये वाला टू वी वन इंटू वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू और वी कैन सॉल्व होल ठीक है हम ये पूरा सॉल्व कर सकते हैं या फिर अगर हमें ये फार्मूला याद रह गया तो हम इस फॉर्मूला को सीधा यूज़ करें और टू वन वी वन इंटू वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू तो इसका जो एवरेज स्पीड है वो आ जाएगा फोर्टी फोर पॉइंट फोर किलोमीटर पर आवर Yeah, difference? No. अब यहाँ पे एक और केस आता है वो केस क्या है अब वो केस है सपोज इफ एन ऑब्जेक्ट जो है अगर मैंने क्वेश्चन में ऐसा आ गया कि अगर एक ऑब्जेक्ट है वो t1 वन टाइम तक तो वो v1 से ट्रैवल करता है और t2 टू टाइम वो v2 से ट्रैवल करता है तो हमको यहाँ पे एवरेज स्पीड फाइंड करनी है ठीक है दोस्तों तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा यहाँ भी अगेन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन वेरी सिंपल अगेन सेम नाउ एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री अब हमने एस वन को क्या लिखा है यहाँ पे देखो वी वन प्लस वी वन इंटू टी वन लिखा है कैसे लिखा है सी वी वन टू क्या होता है एस वन अपॉन टी वन होता है ठीक है तो एस वन को हम क्या लिख सकते हैं एस वन को लिख सकते हैं टी वन वी वन ये लिख सकते हैं तो हमने क्या करा हमने एस वन को लिखा वी वन टी वन एस टू को लिखा वी टू टी टू एंड सो ऑन वेरी सिंपल नाउ सी इफ वी इफ वी से दैट टी वन इक्व टू टी टू है तो मतलब अभी हम बस इस दो गेस की बात कर रहे हैं ठीक है तो वी वन टी वन प्लस वी टू टी टू अपॉइंट टी वन प्लस टी टू ठीक है यही है अब टी वन इक्व टू टी टू है तो हमने टी वन टी टू को हमने ले लिया टी के इक्वल तो हमने क्या करा है यहाँ पर टी टी कॉमन हो जाएगा बाहर निकाल दो उसको तो हमारे पास क्या बचेगा वी वन प्लस वी टू अपॉइंट टू अगेन सपोज वहाँ पे एक टी थ्री भी होता तो हमारा आंसर क्या आता हमारा फिर आंसर आता हमारा आंसर आता वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री अपॉन थ्री ठीक है फ्रेंड्स आ गया बहुत इजी था ये तो नाउ अब ये क्वेश्चन अब इस पे ये क्वेश्चन करते हैं सी इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ एट्टी किलोमीटर पर आवर इन फर्स्ट आवर ठीक है अगेन अगर एक ऑब्जेक्ट वो पहले आवर में तो वो किससे ट्रेवल कर रहा है वो ट्रेवल कर रहा है एट्टी से दूसरे जो सेकेंड आवर है उसमें वो कर रहा है सिक्सटी से देन वी हैव टू फाइंड इट्स एवरेज स्पीड वेरी सिंपल अभी हमने पढ़ा था क्या करना है वी वन प्लस वी टू अपॉन टू ठीक है फ्रेंड्स तो हमारा आंसर क्या जाएगा सेवनटी किलोमीटर पर आवर आ गया फ्रेंड्स ठीक है दोस्तों तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं और आपको कैसा लगा आप बताइएगा थैंक यू